हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। उपस्थित हूँ आप सारे विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप मोस्ट एसएसटी के क्वेश्चंस को लेकर के, सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें हम लोग 101 बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सीटेट जूनियर की परीक्षा को बनाएगा अत्यंत ही बेहतरीन। दोस्तों, जैसा आप सारे विद्यार्थियों को पता है कि प्राइमरी में तो सारे विद्यार्थी पास हो जाते हैं, लेकिन जो एसएसटी जो जूनियर की परीक्षा है, जूनियर की परीक्षा में पास होना बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि इसके पेडागोजी के क्वेश्चंस, इसके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल होते हैं, थोड़ा कठिन होते हैं। तो आइएगा, मैं टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक के लिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो बार बार पूछे जाते रहे हैं और बार बार पूछे जाते रहेंगे। उन्हीं से रिलेट करके सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। जनवरी 2023 में ओवरऑल जितना पूछा गया है, 2023 में जितना एसएसटी का क्वेश्चंस आए हुए हैं, वे सारे क्वेश्चंस में से उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना वक्त लगाए हम लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। आप सारे विद्यार्थियों के सामने मैंने पहला प्रश्न उपस्थित कर दिया है, जल्दी से आप सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर? जल्दी से आप सारे विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा। अगर यहां पर मैं पहले अगर मैं यहां पर इस वाले प्रश्न पर चर्चा करूं तो दोस्तों देख लेना, ध्यान पूर्वक आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसमें पहला नंबर आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक भूमिका छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करना होगा। मतलब यहां पर आपसे ये पूछा गया है ना कि जो एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता है ना, उस सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक क्या होता है कि वो छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करे। तो छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करना, किस प्रकार से वो बच्चों को ज्यादा विकसित होने का अवसर प्रदान कर सकता है? पहला कह रहा, परीक्षा के लिए स्वयं अध्ययन करने के लिए आत्म प्रेरणा। मतलब आप बच्चों को ये सलाह दोगे कि बेटा तुम अब घर जाओ, घर पे स्वयं अध्ययन करो, ऐसा प्रेरित करोगे बच्चों को, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। विषय में विशेषज्ञ बने, मतलब आप बच्चों को फिर प्रेरित कर रहे हो कि वो सब्जेक्ट विशेष में विशेषज्ञ बन जाए, नहीं। घटनाओं को याद करने के लिए स्मृति कौशल का विकास करना है, बिल्कुल नहीं। घटनाओं को याद करने के लिए स्मृति कौशल का विकास भी नहीं करना है। उनके आसपास की दुनिया की एक महत्वपूर्ण समझ, पहला नंबर तो आपको एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के तौर पर आपको उन बच्चों के आसपास के पर्यावरण की समझ होनी चाहिए। साथ साथ में आप उन बच्चों को वो चीज समझाने का प्रयास करो जो उनके पर्यावरण के आसपास है, जो उनके पर्यावरण के आसपास दिखाई पड़े। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की अवधारणा को समझाने का उपयुक्त उदाहरण होगा? पूर्वाग्रह का मतलब जानते हैं क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है मेरे दोस्त, याद रखना, जैसे हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने आप को हीरो समझते हैं, वो ये मानते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, हम ही सब सर्वोसर्वा है। अपनी नजर में दूसरे को हमेशा छोटा गिनते हैं, अपने आप को वो कोई भी काम करे, चाहे गलत करे चाहे सही, उनकी नजर में वो हमेशा वो ग्रेट ही रहते हैं। और सामने वाला अच्छा काम करता करता मर जाए, लेकिन आदमी ये नहीं समझता कि सामने वाला बड़ा बढ़िया काम किया, ये होता है पूर्वाग्रह, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। यहाँ पर मेरे दोस्त, पूर्वाग्रह की अवधारणा को समझाने का उपयुक्त उदाहरण क्या होगा? पहला कह रहा है, लोग एक दूसरे को समान रूप से देखते हैं, नहीं। अगर आपको कोई पूर्वाग्रह हो गया तो आप समान रूप से नहीं देख सकते हैं। किस रूप में देखेंगे? लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, बिल्कुल। देखो, लोगों की नजरों में जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो हमेशा बुरा होता है, वो अपने आप को सही समझता है और सामने वाले को हमेशा बुरा समझता है। लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं। अगर पूर्वाग्रह हो गया तो लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे। श्रेष्ठता और हीनता की भावना होती है, बिल्कुल। इसमें क्या होती है? श्रेष्ठता और हीनता की भावना होती है मेरे दोस्त। श्रेष्ठता और हीनता के भावना का मतलब होता है कि हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझेंगे और सामने वाले को
हीन समझेंगे कि ये तो कुछ नहीं है, बेचारा है, ऐसा है वैसा है, बात समझना। तो इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली अगर मैं चर्चा करूं तो इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और डी किस में मैच कराया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी और डी इसमें मैच कराया जा रहा है, इसको आप लोगों को बेहतर तरीके से नोट कर लेना है, बेहतर तरीके से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। पूर्वाग्रह का मतलब समझ गए ना। बहुत लोग ऐसे समाज में पाए जाते हैं, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वो अपने आप को भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा। लिखा हुआ है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे। मतलब देखो दोस्तों, समाज में महिला और पुरुष के बीच में जो असमानता है, जो लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव है, ये लड़का और लड़की के बीच के भेदभाव को या महिला और पुरुष के बीच के भेदभाव को तोड़ने के लिए आप एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में क्या करोगे। लिखा हुआ है कि लड़कियों और लड़कों को एक ही बेंच पर बिठाना और इस व्यवस्था को नियमित रूप से घुमाना ताकि छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर मिले। बिल्कुल, एक शिक्षक के नाते हमेशा ये होना चाहिए ना कि एक बेंच पे, एक टेबल पे लड़का और लड़की दोनों को एक साथ बैठाओ। और हाँ, हमेशा एक लड़की एक लड़के को परमानेंट एक स्थान पर मत, उनको बदलते बदलते रहो। आज तुम इनके साथ बैठोगे, आज तुम इनके साथ बैठोगे, मतलब लड़का लड़की ऐसे आप लोग बदल बदल करके जब बैठाओगे तो लिंग का जो रूढ़िवादिता है ये कहीं ना कहीं दूर होगा। वर्ग गतिविधियों का आयोजन जो लिंग तटस्थ हो, बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटी करवाओ, मतलब जैसे खेल करवाओ, एक्टिविटी करवाओ, उसमें लड़का लड़की सब लोग साथ में रहे। ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए कबड्डी है तो केवल लड़के ही खेलेंगे, लड़कों के लिए क्रिकेट है तो केवल लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे, नहीं, महिलाओं और पुरुषों, बच्चों और बच्चियों के लिए, याद रखना, लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से खेल का आयोजन होना चाहिए। अगला करा, लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी लड़कियों और लड़कों को समान रूप से सौंपना। बिल्कुल, देखो, घर का काम करना, साफ सफाई करना, ये केवल लड़कियों का ही काम नहीं है, ये काम लड़कों का भी होना चाहिए। तो लड़कों और लड़कियों को समान रूप से स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो ए बी और डी, तो ऑप्शन नंबर ए बी और डी किस में हो जाता है, जिस भी ऑप्शन में ए बी और डी हो जाएगा उन सारे विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ए क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा, जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने ए चुना है उन सारे विद्यार्थियों का ए ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। देखो दोस्तों, ये बहुत टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक एक को याद कर लीजिएगा, एक एक को समझ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर सीटेड जूनियर में मिलने वाले हैं और सीटेड जूनियर में संघर्ष बहुत है, इसलिए संघर्ष बहुत आप करिए। मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग करने के लिए एकदम से तैयार हो जाओ। अब इसमें देखिएगा क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। किसका अनुभव देने के लिए, जैव विविधता का अनुभव। जैव विविधता क्या होता है, हमारे धरती पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानते हैं ना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मतलब जानवर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जैव विविधता का मतलब होता है हमारे धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। अब आप विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कैसे बच्चों को आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में सिखा सकते हो। पहला पूछ रहा है कि पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, नहीं, आप पढ़ने के लिए मत दीजिए। दूसरा, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना, ये भी नहीं। देखो, सबसे सटीक आंसर क्या लिखा हुआ है, अगर आप उस बच्चे को पक्षी अभ्यारण्य में लेकर के जाओगे, अगर उसे बर्ड सेंचुरी में लेकर के जाओगे तो बच्चा उसको करेगा अवलोकन, अवलोकन करने के बाद वो जब देखेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा ये तो कई टाइप का तोता भी होता है, कोयल भी होती है, कौवा भी होता है, विभिन्न प्रकार के जैव विविधता, उसके बाद शेर होता है, हाथी होता है, चीता होता है, बंदर होते हैं, ढेर सारे बायोडाइवर्सिटी को वो अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखेगा, प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा, तो उस बच्चे के अंदर जैव विविधता के प्रति बेहतरीन अनुभव आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों क्या पूछा गया है, इस प्रश्न को अगर देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक प्रासंगिक है, बताइएगा आप सारे विद्यार्थी।
मतलब प्राथमिक विद्यालय में जो सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देने की बात हो रही है, सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सबसे अधिक प्रासंगिक है? पहला लिखा हुआ है कि छात्रों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करें ताकि वे याद रख सके। अच्छा, ताकि वो याद रख सके, काहे वो याद रख सके भाई, क्यों वो याद रख सके? ये तो बात तो हो गया गलत आपका, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है, नेक्स्ट आप देखिएगा, सामाजिक विज्ञानों पर जोर देना एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दिमाग की नींव रखने में मदद करता है, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा आपका सही, ठीक है। रचनात्मक दिमाग की नींव रखेगा, क्रिएटिव माइंड बढ़ेगा। छात्रों को लगातार याद दिलाना कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करके समाज की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये लगातार याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल बी विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन को चुना है मेरे दोस्त, तो आपका बी आंसर क्या हो जाता, एकदम लाजवाब। बी आंसर विल बी द राइट आंसर, बी आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम लाजवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ना जरा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे विद्यार्थी बेहतर तरीके से कमेंट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को के उद्देश्य से विकसित किया गया है। किस उद्देश्य से बताओ? जो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी, जैसे 6 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी है ना, इनके लिए सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको लाने का उद्देश्य किस लिए विकसित किया गया है? लिखा हुआ विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए। विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए लाई गई है क्या? ये तो होगा नहीं। बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, ये भी बात बिल्कुल गलत है। एक राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व सहित, ये भी नहीं। विषयगत प्रस्तुति प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने डी ऑप्शन को टिक किया है, उन सारे विद्यार्थियों का डी ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम बेहतरीन। डी विल बी द राइट आंसर, डी उत्तर आप लोगों का एकदम बेहतरीन हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देना। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत को धम्म की समझ बनाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है? धम्म जानते हो, धम्म का मतलब होगा धर्म। ये जो अशोक थे ना, अशोक ने इस धर्म की स्थापना की थी, धम्म विजय की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखोगे तो अशोकन अभिलेख हो जाएगा, अशोकन शिलालेख हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को चुना है, उन सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर हो जाता है। ए आंसर आप लोगों का एकदम से करेक्ट हो जाएगा, एकदम बेहतरीन। अगले प्रश्न का जवाब देना। लिखा हुआ है बयान ए और आर को पढ़ें। ए और आर को क्या करना है, पढ़ना है। ए और आर को पढ़ें और फिर सही विकल्प चुनें। क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक सरकारों को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है जहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार से उस देश को चलाया जाता है, वो लोकतंत्र है। हमारा भारत देश एक लोकतंत्र है। हम लोग अपने लोकतांत्रिक देश में अपने सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि को चुनते हैं, यही तो होता है ना। तो लोकतांत्रिक सरकार को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, ये बात तो एग्जैक्ट हो गया। दूसरा आर, आर क्या कह रहा है? लोग सीधे सरकार में भाग नहीं लेते। देखो हर व्यक्ति सीधे सरकार में भाग नहीं लेता, वो क्या करता है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन करता है, जैसे अपने भारत जैसे देश में होता है। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर के अपना देश नहीं चलाते, हम लोग सबसे पहले अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम लोग सांसद और विधायक को चुन लेते हैं, फिर वो आगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, बयान ए और आर दोनों सही हो जाएगा। इट मीन्स ए विल बी द राइट आंसर। जितने भी प्रिय साथी ए उत्तर दिया है, उन सारे विद्यार्थियों का ए आंसर क्या हो जाता है, एकदम लाजवाब। अगले प्रश्न का जवाब देना। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण, बात ध्यान रखिएगा, कक्षा 3 है, क्लास 3 है, इसका विषय है मानचित्रण, मतलब मैपिंग। मैपिंग कराना है बच्चों को, बच्चों को क्या कराना है, मैपिंग कराना है। तो मैपिंग के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा, बताओ। बच्चा जो होगा, अगर उसे आप मानचित्र की प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं, मानचित्र के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो मानचित्र में सिखाने के लिए कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगी? अगर यहाँ पर बात करोगे तो उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, ये तो नहीं होगा ना, मानचित्र से रिलेटेड नहीं है। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ये दो वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्योंकि जो मानचित्र होता है ना, मानचित्र से किसी भी स्थान की दिशा के
के बारे में पता चलता है। तो दिशा देखो, उनके घर, घर से स्कूल का जब वो मानचित्रण बनाएंगे तो घर से स्कूल जाने का रास्ता भी इंगित करेंगे, और दिशा के साथ साथ में दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए तो दूरी भी पता चल पाएगा। उसके बाद सापेक्ष स्थिति का भी पता चल जाएगा कि हमारे घर के सापेक्ष हमारा स्कूल किस स्थिति में है। तो मैपिंग के माध्यम से दिशा, दूरी और सापेक्ष स्थिति के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरे वाले पे बच्चा मेहनत करेगा, अपने घर से स्कूल का रास्ता अंकित करेगा, तो मेरे दोस्त उसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप सारे विद्यार्थी बताएंगे, बेहतर तरीके से आप लोग उत्तर कीजिएगा, बेहतर तरीके से आप लोग उत्तर देना। लिखा है मेरे दोस्त की सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब होता है देखो, जैसे गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव किया जाता है, तो गरीब और अमीर के बीच में जो भेदभाव किया जाता है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता, वो सामाजिक न्याय नहीं, वो सामाजिक अन्याय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेसिकली अगर मैं बात करूं तो, वो सामाजिक अन्याय हो जाएगा। और सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सभी भी सभी को भी समान रूप से खाने का, समान रूप से पीने का, नौकरी पाने का, बात समझ रहे हैं ना, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ये सामाजिक न्याय होता है। ये सामाजिक न्याय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। और हाशियाकरण, जैसे कुछ जाति धर्म के लोग बहुत निचले स्तर पर चले जाते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो जब बच्चों को आप सोशल जस्टिस के बारे में सिखाओगे, सामाजिक न्याय के बारे में सिखाओगे, तो उनको रोल प्ले करने के लिए कहो, कोई नाटक का आयोजित करो, ठीक है ना, रोल प्ले करने के लिए केस स्टडी करवाओ, केस स्टडी करवाओ, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, दलित समुदाय थे, सर्वेक्षण करवाइए। तो ए बी सी हो जाएगा, पर ग्लोब और मानचित्र से तो मैंने आप लोग को बताया ना, दिशा हो गई, दिशा के बाद में दूरी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है ना। तो ए बी और सी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ना, ए बी और सी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ए आंसर आप लोगों का एकदम बेहतरीन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी कमेंट करना। इसमें लिखा हुआ है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, परियोजना कार्य में मुख्य रूप से शामिल है। बताइएगा प्रोजेक्ट वर्क में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, जो प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है बच्चों को जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, तो ये बच्चों को जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है परियोजना कार्य में। पहला कह रहा कई संसाधनों से जानकारी एकत्र करना, लोगों से डेटा इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना, महत्वपूर्ण परियोजना संबंधी अवधारणाओं को देखो याद रखना, ये तो एकदम गलत कर दो तुरंत, मुख्य रूप से विषय से संबंधित समाचार कतरन को एकत्रित करना, बात समझो ना, किससे संबंध में, परियोजना, अगर परियोजना की बात हो रही है तो इसमें लिखा है कई संसाधनों से जानकारी एकत्र करना, मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क है तो कई संसाधनों से आप जानकारी एकत्र कीजिए, और जानकारी एकत्र करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सफल बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, एकदम बेहतरीन हो जाता है, एकदम शानदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सारे विद्यार्थियों से अपेक्षित है, बेहतर तरीके से अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है भारत के विभाजन पर, भारत के विभाजन का मतलब जानते ना, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था ना, 15 अगस्त 1947 को जब अपने भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी, इसी टाइम पर भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया, दो अलग अलग देश बन गए भारत पाकिस्तान। तो भारत के विभाजन पर आप क्लास ले रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारा भारत देश कैसे आजाद हुआ, हमारा भारत देश का विभाजन कैसे हुआ, पाकिस्तान और भारत अलग अलग कैसे बन गए, ये ले रहे हैं आप मान लीजिए। तो निम्न में से कौन कक्षा चर्चा के लिए मूल्यांकन संसाधन साबित हो सकता है, ये मतलब मूल्यवान संसाधन कौन होगा, मतलब अगर आप बच्चों को भारत के विभाजन से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ा रहे हैं तो कौन सा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स हो जाता है ताकि बच्चा समझ जाए। पहला याद रखना भारत का मानचित्र, 1947-48 में जब हमारा देश भारत अलग हुआ था और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे, उस टाइम का आप मानचित्र लेकर के बच्चों को वो मानचित्र दिखा सकते हो कि देखो इतना पहले पूरा का पूरा भारत हुआ करता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान अलग हो गया तो अब इतना हो गया, ये आप ऐसा कर सकते हो ना। दूसरा, खुशवंत सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान,
ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखा था खुशवंत सिंह ने, इन्होंने भी इनकी बातों को आप पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। और दिल्ली 1948 की तस्वीरें आप दिखा सकते हो जब भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ था, पर एम एस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाए गए गाने इसका कोई उल्लेख उसमें नहीं है। तो ए बी और सी अगर ऑप्शन देखोगे देन ए विल बी द राइट आंसर। जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को टिक किया है उन सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर, ए आंसर आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न का जवाब जरा दीजिएगा, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन। इतिहास की कक्षा में, किसकी कक्षा में, हिस्ट्री की कक्षा में, मतलब इतिहास की कक्षा में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, बताइएगा। मतलब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप क्लास में इतिहास पढ़ा रहे हो, इतिहास पढ़ाते वक्त आप बच्चों में सोच डेवलप करना चाहते हो ताकि बच्चा उस चीज़ के बारे में सोचे, उस चीज़ के बारे में बच्चा थिंक करे। तो बच्चों में सोच कौशल को बढ़ावा देने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? पहला नंबर, विकल्पों का विश्लेषण। देखो स्मरण प्रश्न पूछना, ऐसा कोई नहीं, अगर स्मरण प्रश्न की बात आ गई तो बी तो आप गलत काट दोगे, ठीक है ना। अब बी अगर आपने गलत काटा तो बी इसमें है ये ऑप्शन गलत, बी इसमें है ये ऑप्शन गलत, ठीक है ना, टर्मिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करना। दूसरा, राय से तथ्यों को अलग करना, मतलब बच्चों से पहले राय लीजिए, राय से क्या कीजिए, आप तथ्यों को अलग कीजिए, ये कह रहा हो जाएगा। अच्छा, प्रभावों का अन्वेषण करना, ये तो हो ही जाएगा, प्रभावों का अन्वेषण करना। पाठ्य पुस्तक सामग्री पढ़ना, देखो पाठ्य पुस्तक सामग्री पढ़ना अगर बात किया जाए तो पाठ्य पुस्तक सामग्री भी इसमें क्या होगी, शामिल नहीं होगी, केवल आपका विकल्पों का विश्लेषण हो जाएगा, राय से तथ्यों को अलग करना हो जाएगा और प्रभावों का विश्लेषण करना हो जाएगा। ए सी और डी, अगर आपने बी ऑप्शन को चुना है तो बी विल बी द राइट आंसर, बी आंसर आप लोगों का क्या हो जाता, एकदम लाजवाब। चलो अगले प्रश्न पर आना, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है इसमें, इसमें आप लोगों से पूछा है कि एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन, पोर्टफोलियो का मतलब जानते हैं ना, जो आपका बच्चा है जिसको आप पढ़ाते हो उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा, उसी में उसका अंक पत्र होता है, उसी में उसका ग्रेडिंग रेटिंग स्केल होता है, उसी में उसका होमवर्क होता है, मतलब उस बच्चे से संबंधित सारी जानकारी, उस बच्चे से संबंधित सारी डिटेल किस में होती है, पोर्टफोलियो में होती है ना। तो एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए आवश्यक है क्या, आवश्यक है बताओ, एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है। पहला कह रहा है छात्रों का संग्रह काम करता है, बिल्कुल छात्रों का संग्रह काम करता है कि नहीं, पोर्टफोलियो में छात्रों से रिलेटेड सारी चीजें उस फाइल में रहती है, उस फाइल में छात्रों से रिलेटेड सारी बातें रहती है। एक निश्चित अवधि में, देखो निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए परीक्षणों और कार्यों का संग्रह, ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए नहीं, पूरा ओवरऑल जब से वो बच्चा पढ़ रहा है तब से लेकर आज तक की अवधि तक पूरा बायोडाटा उस बच्चे से रिलेटेड उसमें रहता है, वो कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता, कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं पढ़ा लिखा है, बात समझ रहे हो ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत, ए तो सही हो गया। सी, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों मदों का चयन करने के लिए एक मानदंड है, बिल्कुल मेरे दोस्त एक मानदंड रहता है। तो आपका ए और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने सी ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का सी उत्तर क्या हो जाता है, एकदम लाजवाब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है, जरा अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, लिखा हुआ है किसी देश में, ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है किसी देश में लोकतांत्रिक लोकाचार, लोकतांत्रिक लोकाचार का मतलब होता है कोई भी देश है, उस देश की सरकार, वहां के प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, उस राज्य में चीफ मिनिस्टर चलाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, जो विधायक होते हैं, विधायक किनको चुनते हैं, विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री को, और विधायक को कौन चुनता है, विधायक को चुनती है जनता। तो हमारे देश का शासन जब जनता के द्वारा चल रहा है, जनता विधायक को चुना, विधायक ने मुख्यमंत्री को चुना और मुख्यमंत्री राज्य चलाता है, वैसे पीएम को कौन चुनता है, पीएम को चुनते हैं सांसद, और सांसदों को कौन चुनता है, सांसदों को चुनती है जनता। कहने का मतलब हमारे देश में जनता का ही शासन चलता है, जनता अपने प्रतिनिधियों सांसद को चुनती है, सांसद प्राइम मिनिस्टर को। तो ये लोकतांत्रिक लोकाचार जो सिस्टम चल रहा है, जो इलेक्शन के द्वारा सरकारें बनाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसको और मजबूत करना है ताकि जनता की शक्ति हमेशा बनी रहे। 5 सालों तक हम लोगों ने चुन लिया अगर इनको, और 5 साल में अगर ये बेहतरीन काम नहीं कर पाते हैं तो दोबारा चुनाव होता है, हम लोग सरकार बदल देते हैं, बात समझ लो ना।
तो लोकतांत्रिक लोकाचार को किसके माध्यम से मजबूत किया जा सकता है? तो पहला नंबर तो चुनावों का नियमित संचालन होना चाहिए। देखो दोस्त, अगर हमेशा चुनाव होगा, अगर हर 5 साल पर चुनाव होता रहेगा नियमित टाइम पर, तो सरकारों को भी एक टेंशन रहेगी कि अगर मैं जनता के लिए कोई काम नहीं करूंगा तो अगली साल जनता हमको चुनाव में असफल कर देगी, मुझे वोट नहीं देगी। तो लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए चुनाव का नियमित संचालन होना चाहिए। दूसरी बात, निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी। बिल्कुल सही बात है, अगर सरकार कोई भी बड़ा फैसला ले, अगर कोई भी सरकार बड़ा फैसला ले तो उस बड़े फैसले में लोगों से भी पूछा जाना चाहिए, जनता से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर तुम लोगों की राय क्या है, क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। दूसरा, जनमत की जानकारी देना। बिल्कुल, लोगों को जनमत के बारे में बराबर बताना चाहिए कि कौन आया है चुनाव लड़ने आया है, जो चुनाव लड़ रहा है उसके पीछे कितने केस लगे हुए हैं, कितना रुपया पैसा है, पूरी डिटेल, वो जानकारी पूरी होनी चाहिए। मजबूत और प्रसिद्ध नौकरशाही, ये गलत हो जाएगा। नौकरशाही का मतलब होता जो हमारे देश में सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों से हमको कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो ए, बी और सी, जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने हमारे बी ऑप्शन को चुना है, वो सारे विद्यार्थी जूनियर सीटेट की तैयारी में एकदम बेहतरीन कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्त, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसी तरीके से उत्तर देते रहिएगा। अगले प्रश्न का जवाब आप लोगों से अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, जरा सुनिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों ए और बी, दो कथन है ना, ए और बी, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो आइए ए और बी पर विचार कर लेते हैं। लिखा है अक्षांश के मान के बाद उत्तर या तो दक्षिण शब्द आता है। तो मैंने आप लोग को कई बार बताया है, एक जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब के बीचों बीच में 0 डिग्री खींची जाती है ना, 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके उत्तर में नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री के मतलब अक्षांश रेखा, जितनी भी लेटी हुई रेखाएं होती है ना, ये सारी लेटी हुई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इनके बाद क्या आता है, उत्तर और दक्षिण ना, तो ए तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा, किसी स्थान के देशांतर के बाद उत्तर या तो दक्षिण आता है। तो हमारे ग्लोब पर जो सीधी रेखा खींची जाती है, ये हो गई देशांतर रेखा ना, ये देशांतर रेखा अगर होगा तो इधर तो ईस्ट मतलब पूर्व होगा, इधर वेस्ट मतलब पश्चिम होगा। तो देशांतर रेखा के बाद उत्तर या दक्षिण नहीं आता, पूर्व और पश्चिम आता है। तो बी हो जाएगा गलत, बी क्या हो जाएगा गलत। मतलब यहाँ पर अगर आप ग्लोब के माध्यम से देख पा रहे हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो अक्षांश रेखा होती है, ये मान लीजिए अक्षांश रेखा है ना, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तर और दक्षिण में होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, ये सीधी रेखा जो है ये देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड, और देशांतर रेखा के इस साइड में पूर्वी देशांतर हो जाएगा, इस साइड में पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो जहां देशांतर आए वहां पूर्वी पश्चिमी, और जहां पर अक्षांश आए वहां पर उत्तरी दक्षिणी। तो इस आधार पर अगर आप लोग देखोगे तो केवल ए सत्य है, किंतु बी क्या हो जाता है गलत, ओनली ए सत्य है मेरे दोस्त, ए विल बी द राइट आंसर। जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को टिक कर दिया है, उन सारे विद्यार्थियों का ए ऑप्शन क्या हो जाता, एकदम लाजवाब। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न पर आना। इसमें बताओ सौर मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सौर मंडल, आप लोग जानते हैं ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, इसमें 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। ग्रहों के साथ में इनमें उल्का पिंड भी शामिल होता है। क्या, उल्का पिंड, उल्का पिंड के साथ में क्षुद्र ग्रह भी शामिल होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी शामिल होते हैं, और साथ साथ में सूर्य भी शामिल होते हैं। इन सबको मिला करके अपना सौर मंडल बनता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह सौर मंडल बनाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौर मंडल बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सौर मंडल एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, सौर मंडल एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सौर मंडल के अंतर्गत तो सूर्य भी शामिल होगा, सूर्य के साथ में 8 ग्रह भी शामिल होंगे, 8 ग्रह के साथ में उपग्रह भी शामिल होंगे, और उपग्रह के साथ में क्षुद्र ग्रह भी शामिल होंगे, उल्का पिंड भी शामिल होंगे। ये सारा विषय आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है। तो सौर मंडल के बारे में ऑप्शन नंबर बी will be the right answer, B उत्तर आप लोगों का एकदम सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अब दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न का जल्दी से और बेहतर तरीके से जवाब आप लोगों को देना है। इसमें पूछा है कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। चलो पहले कथन को पढ़ो। पहला लिखा है उष्ण कटिबंध
अधिकतम ताप प्राप्त करता है और वर्ष भर गर्म रहता है। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है मेरे दोस्त, जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच में 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके नॉर्थ में देखो कर्क रेखा होता है ना, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके दक्षिण में मकर रेखा होता है मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और मैंने कहा जो सूर्य होता है ना सन, सूर्य हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सीधा चमकता है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जब सूर्य सीधा चमकता है ना, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में गर्मी भी ज़्यादा होती है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। और कर्क से मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन में कहा है कि उष्ण कटिबंध अधिकतम ताप प्राप्त करता है और वर्ष भर गर्म रहता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, एकदम सही। पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम सही। दूसरा, मध्याह्न सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर ठीक सिर के ऊपर रहता है, तो ये बात भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। मतलब इसके कहने का मतलब ये था ना कि देखो जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर मैंने बीच में कहा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, और उसके बाद ये वाली रेखा हो गई कर्क रेखा, और नीचे वाली रेखा कौन सी हो जाती है, मकर रेखा। तो जो सूर्य है ना, देखो 21 जून को सूर्य कहाँ पहुंच गया, कर्क रेखा पर। उसके बाद में 21 22 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर, तथा 22 दिसंबर को सूर्य होता मकर रेखा पर। तो इन सारे लोकेशन पर एक ना एक बार जरूर सूर्य जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का उत्तर, सारे विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का उत्तर। इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है क्या कि कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, जरा ध्यान दीजिए। पहला लिखा है, जीवों और उनके परिवेश के बीच का संबंध एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। बिल्कुल, जैसे एक जंगल होता है, जंगल में जीव होते हैं, तो जीव और साथ साथ में जंगल, ये दोनों मिल करके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, तभी पूरा जंगल चलता रहता है और पूरा जंगल जीवित रहता है। सभी पौधे जानवर और मनुष्य अपने तत्काल परिवेश पर निर्भर करता है, बिल्कुल। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर विल बी द राइट आंसर। तो आप लोगों को क्या उत्तर होना चाहिए, ए उत्तर सही होना चाहिए, ये दोनों उत्तर क्या हो जाते हैं, एकदम सत्य, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों भी सही हो जाते हैं। इट मीन्स आप लोगों का अगर ए ऑप्शन आप लोगों ने टिक किया है तो आप सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न का जवाब देना, नेक्स्ट लिखा है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बिल्कुल, वायु तो विभिन्न गैसों का मिश्रण ही तो है। निम्नलिखित कथनों में से वायु के बारे में सही कथनों का चयन कीजिएगा। वायु के बारे में सही कथन को आपको चयन करना है, वायु के बारे में कौन सा कथन सही हो जाता है ये आप लोगों को बताना है। इसमें पहला कह रहा है क्या, पहला कह रहा है कि पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं लेते, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, बिल्कुल ये तो सत्य हो जाएगा ना, हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं। हीलियम आर्गन ओजोन गैसें वायु में भारी मात्रा में मौजूद है, नहीं ये भारी मात्रा में मौजूद नहीं है, अपने वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है। नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78.1% नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस हो जाती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस हो जाती है 20.9%। तो ये सारी गैस कहाँ सबसे ज़्यादा है, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो गया। अगला कह रहा, हवा में छोटे धूल के कण मौजूद होते हैं, बिल्कुल। हवा में देखो आप लोग चलते हो, अगर आँख खोल दोगे तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण हो जाते हैं, जो आँखों में पड़ जाते हैं तो बहुत गड़ने लगते हैं, चूहने लगते हैं। तो बी और डी आपका सही हो जाएगा। तो बी और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में बी और डी दिया गया है। तो आप लोगों ने अगर बी और डी ऑप्शन को चुना है तो बी और डी विल बी द राइट आंसर। इट मींस सी ऑप्शन आप लोगों का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसमें आप लोगों से क्या पूछा है जान रहे हो ना। लिखा हुआ है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलुज और काली। अगर मैं यहाँ भारत के दृष्टिकोण में आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था क्या हो जाता है, यहाँ पर एक झील पड़ती है,
यहाँ पर एक लेक पड़ता है जिसे मानसरोवर झील कहते हैं, ठीक है। मानसरोवर झील आपको याद रहेगा तिब्बत में पड़ता है, यहाँ कौन सा देश हो जाता है, उस देश का नाम हो जाता है तिब्बत, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान के लिए एक सबसे लंबी नदी निकलती है जो कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कही जाती है, इस नदी का नाम हो जाता है सिंधु नदी या इंडस रिवर, पहला नंबर तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इसी मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है, इस नदी को सतलज नदी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक नदी निकलती है, इस नदी को कहा जाता है काली नदी, ये बात आप लोग बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना नोट करने के बाद जरा मेरी बात सुनना, अब सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो ये हिमालय है ना, भारत के उत्तर में पर्वतमाला ही तो है, तो सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय है ना, इस हिमालय को मेरे दोस्त कश्मीर हिमालय कहा जाता है। कश्मीर हिमालय के अलावा इसको हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है, और हिमांचल हिमालय के अलावा इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। किन दो नदियों के बीच, सिंधु और सतलज नदी के बीच, ये हो जाएगा। अच्छा, अब सतलज और काली नदी के बीच अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य स्थित है, यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाता है, उत्तराखंड, ठीक है। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो उत्तराखंड राज्य है ना, इस उत्तराखंड राज्य में मेरे दोस्त कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय पड़ता है। उत्तराखंड में कौन सा हिमालय पड़ेगा, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय पड़ेगा, किन दो नदियों के बीच, तो याद रखना सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय पड़ता है। इसका मतलब आप लोगों का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, कुमाऊं और गढ़वाल किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, मतलब कुमाऊं हिमालय कहा जाएगा या गढ़वाल हिमालय कहा जाएगा। और कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय जो कहा जाता है किन दो नदियों के बीच में है, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय मेरे दोस्त किसके बीच में पड़ जाएगा, तो ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना, किसके बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में। चलो ये वाला तो सही हो गया आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ग्लोब के बारे में इन दो कथनों पर विचार करो, किसके बारे में, ग्लोब, ठीक है ना, ग्लोब के बारे में, और ग्लोब का जनक कौन है, मार्टिन बेहम। ग्लोब कह रहा भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करती है, देशांतर कतई गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब में जो 0 डिग्री लेटीट्यूड मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ये बात आप लोग जरूर याद रखना। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगा, ये कह रहा देशांतर हो जाएगा, गलत, ये गलत हो जाएगा, देशांतर नहीं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी जिनको लेटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। दूसरा, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, हाँ बिल्कुल एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो इक्वेटर से ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आधा गोला साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, एकदम बेटर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ए और बी दोनों सच है, इट मीन्स सी ऑप्शन अगर आप लोगों ने चुना है तो आप सारे विद्यार्थियों के लिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन, सी विल बी द राइट आंसर, सी उत्तर आप लोगों का बहुत लाजवाब हो जाता है, बहुत ही शानदार हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का जवाब आप सारे विद्यार्थी बेहतर तरीके से पढ़ लेना फिर देना। इसमें पूछा है बयान ए, अच्छा जल्दी बताना सोच विचार करके, लिखा हुआ है बयान ए और बयान आर, इनको पहले पढ़ें और सही विकल्प चुनें, ठीक है, पढ़ लीजिए पहले एक बार। लोकतांत्रिक सरकारों को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, देखो जिस भी देश में वहां की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो जनता किसे चुनता है, अपनी प्रतिनिधि को चुनता है ना, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, जहां लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही उस देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। तो लोकतांत्रिक सरकारों को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, ये बात तो एकदम सही हो जाएगा ना, ऐसा इसलिए सही हो जाएगा मेरे दोस्त क्योंकि यहां पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दूसरा, लोग सीधे सरकार में भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, तो ए और आर दोनों सत्य हो जाएगा, तो आप सारे विद्यार्थी क्या लगाएंगे, तो यहां पर आप लोग ए और आर दोनों सत्य हो जाएगा, इट मींस जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का ए ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट, ए विल बी द राइट आंसर, ए उत्तर आप लोगों का एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग बेहतर तरीके से दीजिएगा। अगले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी बताना।
सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमांग द फॉलोइंग स्टेट। सतमाला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, आप लोगों को ये बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, इस राज्य को कहा जाता है महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये राज्य कौन सा राज्य हो गया, इस राज्य को मेरे दोस्त कहा जाता है महाराष्ट्र, ये बात आप लोग याद रखना। महाराष्ट्र राज्य में ना यहाँ पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को कहते हैं अजंता। महाराष्ट्र में अजंता पहाड़ी हो गई, अजंता पहाड़ी के बाद में सतमाला, ये दोनों बात याद रखना, सतमाला, और सतमाला के बाद में हरीश चंद्र पहाड़ी। कौन सी, हरीश चंद्र पहाड़ी। तो अजंता, सतमाला और हरीश चंद्र, ये तीनों की तीनों पहाड़ियों की अगर आप लोग चर्चा करोगे तो अजंता, सतमाला और हरीश चंद्र, ये तीनों महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती, तो आप लोग क्या आंसर लगा दोगे, तुरंत आप लोग सी विल बी द राइट आंसर, सर सी लगा दीजिए, सी आंसर एकदम सही हो जाता, ठीक है ना, सतमाला हिल हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब जल्दी से आप सारे विद्यार्थी बेहतर तरीके से देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है, इसमें पूछा भी है आप लोगों से कि आप भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं, आपके बारे में पता लगाने के लिए पूछ रहे होंगे, बताओ किसके बारे में पता लगाने के लिए आप पूछ रहे होंगे। आप भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहला साम्राज्य था वो कौन सा था, अगर हम भारतीय महाद्वीप की बात करेंगे तो पहला साम्राज्य मेरे दोस्त मौर्य साम्राज्य था, जानते हैं ना, मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जानते हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य, और इनका तीसरा नाम क्या था, विष्णु गुप्त। और आचार्य चाणक्य गुप्त या कौटिल्य ने मेरे दोस्त एक बुक्स, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। तो आप लोग क्या उत्तर लगा दोगे, तुरंत मौर्य साम्राज्य विल बी द राइट आंसर। अर्थात जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने डी ऑप्शन को क्लिक किया है उन सारे विद्यार्थियों का डी ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम बेहतरीन, डी विल बी द राइट आंसर, सारे विद्यार्थियों का डी आंसर हो जाएगा एकदम लाजवाब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न का जवाब देना। लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुझाव देने के लिए प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल किया। देखो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ये क्या थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और इनको सबसे बड़ी समस्या किससे थी पता है, देखो अंग्रेजों का जब शासन काल था इंडिया में तो उस टाइम में मेरे दोस्त क्या होता था, जो अगर पुरुष एक्सपायर हो गया, अगर हस्बैंड, अगर पति एक्सपायर हो गया, तो जो महिला होती थी वो जौहर का पालन करती, जौहर का मतलब वो खुद भी आग में कूद जाती थी, और सती प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि तब विधवा जो हो जाती थी इनका पुनर्विवाह नहीं होता था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई और विधवा पुनर्वाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि देखो अगर एक लोग एक्सपायर हो गए हैं तो इनको मरने का कोई अधिकार नहीं है, इनको मरने मत दिया जाए, ये पुनः विवाह कर सकती है, फिर से अपना पुनः विवाह करके फिर से अपने जीवन को क्या करती हैं, संचालित कर सकती हैं, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगले प्रश्न का जवाब देना क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नया राज्य है। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये तो एकदम चुटपुटिया सा सवाल है, ये तो किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो सभी विद्यार्थी को पता होगा। देखो जो झारखंड राज्य था ना, झारखंड राज्य को बिहार से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में, ठीक है ना, बिहार से अलग करके 2000 में झारखंड बनाया गया था। जो उत्तराखंड राज्य अपना होता है ना, उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग के बनाया गया था, कब बनाया गया था, सन 2000 में। जो तेलंगाना राज्य है ना, तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 2 जून 2014 में मेरे दोस्त। तो सबसे नया राज्य कौन सा हो जाता है, सबसे नया राज्य आप लोग तुरंत उत्तर लगा दोगे कि सर सी विल बी द राइट आंसर, सी उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाती है, तेलंगाना की राजधानी हो जाती हैदराबाद, ठीक है ना, और हैदराबाद का पुराना नाम क्या हो जाता है, भाग्यनगर कहते हैं हैदराबाद को, इसका पुराना नाम, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है मेरे दोस्त। ये पॉइंट भी आप लोग बेहतर तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से नोट करते जाना है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पर आओ, ये पेडागॉजी के क्वेश्चन तो आप लोगों को और बेहतर मेहनत करना होगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर जूनियर निकालना है तो जूनियर निकालने के लिए आपको पेडागॉजी पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। देखना,
लिखा हुआ, यदि कोई छात्र किसी जिले की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव करता है, मतलब इसमें कहा गया है ना, कोई एक छात्र है, वो छात्र किसी एक जिले की कितनी जनसंख्या है, कितने लोग साक्षर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग निरक्षर, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, मतलब वो जनसंख्या से रिलेटेड सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से क्या एक संभावना के रूप में आवश्यक है, मतलब अगर उसको जिले की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में पता करना है ना, तो इनमें से कौन सी चीज से उसे जानकारी प्राप्त हो सकती है। घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित डाटा, ये तो केवल घर के बारे में जानकारी मिलेगी ना कि घर में कितनी महिला कितने पुरुष हैं, तो घर का थोड़ी जिले की बात हो रही है। आप अगर भारत की जनगणना रिपोर्ट ले आओगे, देखो हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है, कितने साल में, हर 10 वर्षों में भारत की जनगणना आयोजित कराई जाती है, ये बात आप लोग जानते हैं ना। तो हर 10 वर्षों में जो जनगणना आयोजित कराई जाती है बेसिकली, अगर उसी का रिपोर्ट आप लोग ले लोगे तो एक जिले की जनसांख्यिकी से रिलेटेड सारी जानकारियां आप लोगों को बेहतर तरीके से प्राप्त हो जाएगी, सारी विषय आप लोगों को बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का जवाब आप सारे विद्यार्थी बेहतर तरीके से देना। लिखा हुआ है पहाड़ों की निम्नलिखित सूची पर विचार करें, पहले विचार कर लो, पहले विचार करने के लिए कहा है, तो पहला नंबर आपको विचार करना है कौन कौन सी पहाड़ी है। पहला लिखा हुआ है अरावली पहाड़ी, देखो ये हमारे भारत देश में ना जो अरावली की पहाड़ी है, यहाँ पर देखो राजस्थान में, ये अगर मैं बात करूँ ये राजस्थान है ना, राजस्थान में इस पहाड़ी का नाम क्या हो जाता है, अरावली पहाड़ी। ये दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी आप लोग याद रखना, सबसे प्राचीन कैसी फोल्डेड माउंटेन है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, इसको बनने हुए लगभग आज से 80 करोड़ साल पहले ये बना हुआ था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में याद रखना जो अरावली की पहाड़ी हो जाती है ना, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन हो जाएगी, तो इसका नाम है गुरु शिखर, क्या नाम हो जाएगा, गुरु शिखर। तो ये तो प्राचीन हो गया। जो अपलेशियन है, अपलेशियन भी प्राचीन है, ये भी पुराना पर्वत है, यूराल भी पुराना पर्वत है, लेकिन जो हिमालय पर्वतमाला है ना, हिमालय एक नए पर्वत का उदाहरण है, एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर किस पे लगाओगे आप लोग, हिमालय। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतमाला है, दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन हो जाता है, हिमालय। और हिमालय सबसे नया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी अरावली, अपलेशियन और यूराल। अब इसमें भी ना एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, जो अपलेशियन पर्वत है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो जाता है, और जो यूराल पर्वत है ये आपके रूस में हो जाता है, ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट रखना चाहिए, बात समझ रहे ना। ये सारे विषय आप लोगों को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से आप लोगों को नोट करके रख लेना चाहिए। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके जूनियर सीटेट में पूछा जाता है, जरा सोच लो। अभिकथन ए, पहला ए में लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा ग्लोब पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब जरा सोचो, एक जो ग्लोब होता है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, इसके बीचों बीच में जो 0 डिग्री रेखा खींची गई है जिसे इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा कहते हो, तो भूमध्य रेखा ग्लोब पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये क्या करता है, उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित कर देता है, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। कौन डिवाइड करता है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब ये भूमध्य रेखा जो अक्षांश रेखा है, तो ए वाला भी सही है, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देता है, तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये भी सही हो जाता है, इट मींस ए और आर दोनों सही हो जाएगा, तो आप लोगों का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम लाजवाब, ए विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने ए उत्तर लगाया है उन सारे विद्यार्थियों का ए ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम लाजवाब, वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी जरा ध्यान से पढ़ना। लिखा है इसमें, अगर और भूकंप आता है, क्या आता है, भूकंप, ठीक है, भूकंप, तो पृथ्वी की सतह में कंपन होता है, हाँ, और कंपन दूर स्थानों तक जा सकता है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन शब्दों को संदर्भित करता है जो भूकंप से संबंधित है। देखो पहला नंबर अधिकेंद्र, अगर मैं बात करूं तो भूकंप जो आता है वो पृथ्वी के अंदर से आता है ना,
तो जहां पृथ्वी के अंदर भूकंप जन्म लेता है उसे फोकस कहा जाता है, फोकस या भूकंप मूल। लेकिन भूकंप की लहरें जब धरातल पर जहां पहले महसूस की जाती है ना, जहां हम लोग खड़े हुए हैं, जहां धरती हिलने लगती है ना, इसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो अधिकेंद्र तो सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है और प्लेट सीमा भूकंप के टकराने से बनता है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ए उत्तर अगर आप लोगों ने बताया है तो ए उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। ए विल बी द राइट आंसर, ए उत्तर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ना, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। इसमें पूछा है प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का क्या अर्थ है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का क्या अर्थ है। देखो जो रेशम मार्ग था ना, रेशम मार्ग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है। तो चीन से अगर बात करो ना, तो चीन से पूरी दुनिया में जिस रास्ते से इस रेशम को बेचने के लिए व्यापारी जाते थे ना, उसी को रेशम मार्ग कहते थे। तो रेशम ले जाने वाले चीन से दूसरे देशों में व्यापारियों का यात्रा मार्ग, बस केवल इतना। ए उत्तर देखा, ए उत्तर सही लगाया, रेशम ले जाने वाले चीन से, क्योंकि रेशम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीन में होता है। तो चीन से दूसरे देशों में व्यापारियों तक यात्रा मार्ग, जो व्यापारी जिस यात्रा मार्ग के द्वारा जिस रास्ते से रेशम को ले जाते थे बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए ना, उसी रास्ते को बेसिकली रेशम मार्ग कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिएगा, लिखा है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस, मेरे दोस्त याद रखना, ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस होती है ना जिनसे हमारे धरती की गर्मी बढ़ती है, अर्थात जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक ऊष्मन की समस्या में क्या होती है, वृद्धि। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन से गैस जिम्मेदार है। पहला नंबर तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर CH4 मतलब मीथेन बहुत ज्यादा, तीसरे नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस, और चौथे नंबर पर NTO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। देखो पूरी धरती का जो टेम्परेचर है ना, पूरी धरती का जो टेम्परेचर है, पूरी धरती का जो तापमान है, तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर गैस की बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का मैंने यहां नाम लिख दिया है आप लोगों के लिए, कौन कौन सा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इससे गर्मी होगी, और CH4 मीथेन से गर्मी होगी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से गर्मी होगी, N2O नाइट्रस ऑक्साइड से गर्मी होगी, ये विषय आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो ओजोन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया और हीलियम गैस हो गया, इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता मेरे दोस्त, ये भी विषय आप लोग नोट कर लेना। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस होती है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस से भी कोई भी प्रदूषण नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक प्रश्न और जरा सुनो, देखो एक ही प्रश्न में मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर करने का प्रयास करते जाएंगे, ठीक है ना। एक बात और ये है ना आपका, कि मेरे दोस्त जो पूरी ब्रह्मांड है ना, पूरा सूर्य नक्षत्र तारे ग्रह सब है ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस विद्यमान है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। अच्छा अगला प्रश्न, अब इसको पढ़ो तो जरा, लिखा हुआ है गांवों की तुलना में, किसकी तुलना में, गांवों की तुलना में शहरों में गर्मी मतलब शहरों का तापमान अधिक क्यों होता है। अब ये बताना है, देखो गांव में अपेक्षाकृत शहरों की तुलना में कम गर्मी लगती है ना गांव में, क्योंकि गांव में देखो चारों तरफ खुला रहता है, गांव में चारों तरफ खुला रहता है तो चारों तरफ से हवा आने का पूरा प्रावधान रहता है, तो हवा आ जाती है गांव में तो गर्मी ज्यादा नहीं लगती है, थोड़ा कम गर्मी लगती है, थोड़ा ठंडी का माहौल बराबर रहता है। लेकिन शहर में गर्मी ज्यादा होने का कारण क्या है, पहला कारण तो ये हो जाएगा ना कि शहरों में अगर आप लोग देखोगे तो जितनी बिल्डिंग बनी है, जितनी इमारतें बनी है ना, वो सब कंक्रीट से बनी हुई है और साथ साथ में धातु से बनी हुई है, और ये दिन के दौरान कठोर हो जाते हैं बिल्कुल। जितनी इमारतें शहरों में है ना, ये सब बहुत कठोर, बहुत गर्म हो जाता है। तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा,
रोड का डामर दिन में गर्म हो जाता है। देखो रोड पर जो तारकोल नहीं पड़ा होता, तारकोल से ही गिट्टी उट्टी वगैरह लगाते हैं, तो गिट्टी और तारकोल, शहरों में तो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं ना, गांव में तो मिट्टी मिट्टी की सड़कें हो जाती हैं, गांव में तो कीचड़ हो जाता है आपका बरसा ऋतु में, तो गाँव में उतनी ठंड गर्मी नहीं होती, लेकिन शहरों में रोड एकदम एकदम आग जैसे सुलगता रहता है। रोड का डामर दिन में बहुत गर्म हो जाता है तारकोल वगैरह। अगला कह रहा, शहरों की भीड़ भाड़ वाली ऊंची इमारतों में गर्म हवा फंस जाती है। बिल्कुल, शहरों में देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अगर गलती से गर्म हवा घुस गई ना, फिर वो गर्म हवा जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती, और जब जल्दी से बाहर नहीं निकल पाएगी तो शहरों में गर्मी क्या होगी, शहरों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगला लिखा हुआ है, शहरों में अधिक खुली जगह और पेड़ होते, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गाँव में होता है। गाँव में खुली जगह ज्यादा होती है और गाँव में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, इसीलिए शहरों की अपेक्षा गाँव में कम गर्मी पड़ती है, लेकिन गाँव की तुलना में शहरों में तापमान का कारण ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। तो आप सारे विद्यार्थी यहां पर देखो बी होना चाहिए था, ठीक है ना, ए बी और सी मान करके चलो, ए बी और सी आप मान लीजिएगा, ठीक है ना, ए बी सी अर्थात ए विल बी द राइट आंसर। तो जितने प्रिय विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को चुना है ना, वो लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सीटेट जूनियर की तैयारी करो, बड़े मास्टर बनो भाई साहब, बड़े मास्टर। प्राइमरी तो सभी लोग निकाल लेते हैं, जूनियर में थोड़ा संघर्ष करो। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें, ए और बी पर विचार करो और सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए विचार करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है ना, शोषण के खिलाफ अधिकार। एक बात मेरी दोस्त आप लोग ध्यान से सुनना, हमारे भारत देश का जो संविधान है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान कब बनकर के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। तो इस संविधान में ना एक भाग दिया गया है, भाग तीन दिया गया है, और भाग तीन में एक अधिकार मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब पता है क्या होता है, अनुच्छेद 23 और 24 इन दोनों में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है, आप लोगों को ना कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। अगर आपसे काम करवाएगा तो आपने जितना काम किया है उतने काम का उसे क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शोषण के खिलाफ अधिकार कहता है कि किसी को भी कम वेतन या बंधुआ के तहत काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यही अभी मैंने आपको बताया ना, आपको ये नहीं कि जबरदस्ती बंधन में बांध लिया कि अब तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं तुमको पैसा भी नहीं दूंगा, ये तो गलत तरीका हो जाएगा। ए हो गया सही। दूसरा, सामाजिक न्याय से संबंधित कई कानूनों का आधार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में, बिल्कुल यह मैंने आपको बताया ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान के 23 और 24 अनुच्छेद में दिया गया है। तो अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने टिक किया है तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर। बहुत सही आप लोगों ने उत्तर दिया, बहुत बेहतरीन उत्तर आप लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी कमेंट करना। इसमें पूछ रहा है कि भारत का वर्णन करने के लिए भारत के संविधान द्वारा प्रयुक्त शब्द क्या है, मतलब भारतीय संविधान का भाग एक है ना, भाग एक जो कहता है ना, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद एक है, ये कहता है ना भारत अर्थात इंडिया, हमारे देश का नाम क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया। हमारे देश का केवल कितने नाम है, केवल दो नाम है, एक भारत है दूसरा इंडिया है। चाहे देख लो, आप लोग पासपोर्ट बनवाते हो ना, पासपोर्ट के साथ हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट देख लो, आधार कार्ड देख लो, वोटर आईडी देख लो, पैन कार्ड देख लो, इन सभी में देखोगे ना तो केवल दो नाम लिखा होता है, भारत सरकार या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें ये नहीं लिखा होता कि हिंदुस्तान सरकार, आर्यावर्त सरकार, नहीं, अपने देश का ऑफिशियल नाम कितना है, केवल दो। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा भारत देश राज्यों का संघ होगा, और इसमें टोटल मिलाकर के 28 स्टेट होंगे। कितने स्टेट होंगे, 28 स्टेट होंगे, टोटल मिलाकर के 28 राज्यों का संघ हो जाता है। कौन 28 राज्यों का संघ हो जाता है, भारत 28 राज्यों का संघ हो जाएगा। जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने बी ऑप्शन को चुना है वो बात आप ध्यान रखना, ये 28 राज्यों के संघ का मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे पूछा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में
एक संविधान होने की संभावना है। मतलब जहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार चलती है वहां पर एक संविधान होने की संभावना है। जैसे अपना भारत देश देखो, यहां पर जनता चुनती है ना सरकार को, तो जनता अगर सरकार को चुनती है तो यहां पर मेरे दोस्त एक संविधान होना आवश्यक है, तो यहां पर एक संविधान हो जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन कथन भी, सभी देश जिनका संविधान है जरूरी नहीं है कि वे लोकतांत्रिक हों। ये बात भी सही है, मतलब किसी भी देश में अगर संविधान है तो जरूरी नहीं है कि वहां के लोग क्या हो, वहां के लोग मेरे दोस्त वहां पर संविधान हो ही, या वहां का देश लोकतांत्रिक हो ही, वहां की सरकार जनता के द्वारा चुनी ही जाती हो, ऐसा नहीं हो सकता। इट मींस आप लोगों ने ए उत्तर दिया, बिल्कुल। राधिका ने भी उत्तर दिया, सोनम ने भी उत्तर दिया, वेरी गुड, ए विल बी द राइट आंसर। आप सारे विद्यार्थी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहो। अच्छा, अगले प्रश्न का जवाब देना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये 2023 में सीटेट में पूछा गया था आपका प्रश्न जनवरी में। इसमें लिखा हुआ है, यदि एक पाठ्यचर्या सामग्री में गृहिणियों, जो गृहिणी होती हैं, और घरेलू नौकरानियों के रूप में महिलाओं को, देखो घर में काम करने वाली गृहिणी और घरेलू नौकरानी को, इनके रूप में हमेशा महिलाओं को सूचित किया जाता है कि ये काम केवल महिलाएं करती हैं। ये लोगों के अंदर एक पूर्व धारणा है, एक पूर्वाग्रह है कि हमेशा गृहिणी महिला होगी, वही घर का कामकाज करेगी, पुरुष घर का कामकाज नहीं करेंगे, और ये घरेलू नौकरानी की श्रेणी में आती है। और दूसरी ओर कह रहा है कि जो इंजीनियर होते हैं और जो पायलट होते हैं, इनके रूप में पुरुषों का चित्रण किया जाता है। कहने का मतलब, महिलाओं और पुरुषों में क्या हो रहा है, महिलाओं और पुरुषों में हो रहा है भेदभाव। तो अगर महिलाओं और पुरुषों में ये भेदभाव हो रहा है ना, तो इसे मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, लिंग सीरोटाइपिंग कहते हैं। अगर किसी भी स्थान पर महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाए तो वहां उसे हम लोग लिंग सीरोटाइपिंग कहते हैं। इट मींस अगर आप लोगों ने सी उत्तर को चुना है तो आप लोगों ने उत्तर बहुत ही बेहतर तरीके से दिया है। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत बहुत बेहतरीन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से पढ़िएगा, नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग पढ़ करके फिर उत्तर देने का प्रयास करना, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर, सारे विद्यार्थी एग्जैक्ट आंसर देने का प्रयास करना। लिखा हुआ है जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती का मतलब होता है कि ऐसी खेती जिसमें जैसे यूरिया, डाई, पोटास, मतलब उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, जो केमिकल वगैरह है ना, केमिकल वगैरह का प्रयोग ना किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जैसे जो अपने देश का सिक्किम राज्य नहीं है, सिक्किम राज्य अपने भारत का जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, यहाँ पर ना खाद वगैरह का यूज होता नहीं, मतलब उर्वरक का यूज होता ही नहीं है सिक्किम में, ठीक है। तो जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या लिखा हुआ है, खाद का उपयोग उर्वरक के लिए किया जाता है, ये बात सही है। यहाँ खाद का मतलब होता है जैसे गोबर का खाद हो गया ना, गोबर का खाद हो गया, जानवरों के काउडंग ये सब हो गया, गोबर का खाद ये उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, पर ये लोग यूरिया, डाई, पोटास, इन सारी चीजों का यूज नहीं करते। तो ए तो हो जाएगा सही आपका। दूसरा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुवांशिक संशोधन किया जाता है। ये अनुवांशिक संशोधन नहीं होगा मेरे दोस्त, ये आपका नेचुरल सीड प्रयोग करते हैं। कैसा सीड, नेचुरल सीड प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग, बिल्कुल हर एक चीज नेचुरल होना चाहिए, हर एक चीज क्या होना चाहिए, हर एक चीज नेचुरल होना चाहिए, किसी भी चीज में केमिकल नहीं मिला होना चाहिए। केवल ए और सी उत्तर सही हो जाएगा, तभी जैविक खेती में मेरे दोस्त ना कोई भी केमिकल यूज नहीं होता। जैविक खेती में शुद्ध रूप से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक चीजों के अलावा और किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई थी। बताओ, हमारे यहाँ जो सरकारें बनती है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री वाला, राज्य सरकार मुख्यमंत्री वाला, तो अपने देश में जो शासन प्रणाली है, ये भारत द्वारा कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, जरा बताना। पहला कह रहा राष्ट्रपति और एकात्मक। राष्ट्रपति और एकात्मक का मतलब होता है, ये तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। अमेरिका में मेरे दोस्त जो राष्ट्रपति होता है ना, उसी राष्ट्रपति के पास सारी की सारी शक्तियां होती हैं, जो मर्जी वो राष्ट्रपति करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपने यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय का मतलब हमारे यहाँ मेरे दोस्त सब कुछ राष्ट्रपति नहीं कर सकता और ना ही प्रधानमंत्री कर सकता है। हमारे यहाँ जो कुछ भी होगा
वो संसद करेगी। संसद में कौन कौन करेगा, जो कुछ करेगा लोकसभा में बिल लेकर के आना पड़ेगा, लोकसभा के बाद में राज्यसभा में बिल लाना पड़ेगा, उसके बाद में राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा हस्ताक्षर, तब हमारे देश में कोई कानून बनता है। तो हमारे देश की ये संसदीय व्यवस्था और संघीय, संघीय का मतलब हमारे देश में 28 राज्य हैं और जो भी कानून बनेगा संसद द्वारा वो 28 राज्यों पर क्या होगा लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मींस संसदीय और संघीय, ये दोनों आंसर आप लोगों का एकदम लाजवाब हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या उत्तर दिया है, आप लोगों ने क्या उत्तर दिया है, बी विल बी द राइट आंसर हुआ था ना, ये बात आप लोग को याद रखना मेरे दोस्त, संसदीय और संघीय। हमारे यहाँ राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है ना, वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अब आप बताओ ये क्वेश्चन उसी पर रिलेटेड है। देखो अगर मैं आपसे बताऊं तो हमारे देश में दो सरकार होती है, कौन सरकार, एक तो केंद्र सरकार होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक दूसरी होती है राज्य सरकार, ठीक है ना, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब संविधान के अनुसार उस राज्य की सरकार को कौन चलाएगा, वो संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। कौन होता है मेरे दोस्त, राज्यपाल। जैसे केंद्र सरकार में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कोई काम नहीं करता, ये तो केवल नाम मात्र का होता है ना, केवल नाम मात्र का। वास्तव में केंद्र सरकार में सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर करता है, वैसे राज्य सरकार में सारा काम तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री करता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होगा। अगर कार्यकारी प्रमुख के बारे में आप लोगों से पूछा है मेरे दोस्त, तो हमेशा याद रखिएगा कार्यकारी प्रमुख कौन हो जाता है, कार्यकारी प्रमुख होगा राज्यपाल। कार्यकारी प्रमुख कौन होगा, कार्यकारी प्रमुख होगा हमेशा ध्यान रखिएगा राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है ना मेरे दोस्त, ये आपका नाम मात्र का मुखिया होता है एक राज्य का। इसके पास शक्ति तो कोई नहीं होती है, सारा शक्ति तो होती है किसके पास, मुख्यमंत्री के पास। लेकिन ये नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है किसी राज्य का। जैसे सेंट्रल लेवल पे मैंने किसको बताया, राष्ट्रपति के पास। सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सारे विद्यार्थी देना जरा। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान कक्षा में विविधता को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो विविधता को अगर मजबूत करना है तो देखो गरीब अमीर सब लोगों तक हर एक सामान का पहुंच बनाओ, सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, हर किसी को समानता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इट मीन्स अगर आप लोगों ने सी आंसर को टिक किया है तो आप लोगों का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर मेरे दोस्त, ये विविधता का हो जाएगा अर्थ। चलो अगले क्वेश्चन का, जितने लोग रहे साथ में वो कमेंट जरूर करें, कमेंट अगर आप लोग करेंगे तो बेहतर चीजें को देख पाएंगे, बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा जल्दी बताइएगा, जल्दी लिखो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने का मतलब यह होता है कि कौन सा व्यक्ति कृषि में कार्य करता है, कौन सा व्यक्ति कृषि का कार्य करता है, कौन सा व्यक्ति खनन का कार्य करता है, कौन सा व्यक्ति पशुपालन का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर देखोगे तो राधा एक कपड़ा कारखाने की सिलाई इकाई में काम करती है, ये द्वितीयक क्षेत्र होगा। सरिता एक उर्वरक कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर है, ये भी दूसरा होगा। हरप्रीत एक निर्माण स्थल पर, ये भी सेकंड होगा। जो डायरेक्ट नेचर से मिले, जो डायरेक्ट नेचर से मिले, डायरेक्ट प्रकृति से मिले, तो डायरेक्ट प्रकृति से क्या मिलेगा, एक वृक्षारोपण। तो चाहे वृक्षारोपण हो जाए, चाहे कृषि हो जाए, चाहे खनन हो जाए, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये सारी बातें ऐसे ही इसको बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है और ये रिपीटेड टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया 101 में, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना, ये बेहतरीन तरीके से याद रखना है आप सारे विद्यार्थी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीडिया के संदर्भ में सेटिंग एजेंडा वाक्यांश का क्या अर्थ है, बताओ। मीडिया के संदर्भ में सेटिंग एजेंडा वाक्यांश का क्या अर्थ है। सेटिंग एजेंडा का मतलब होता है मेरे दोस्त, जो मीडिया वाले होते हैं ना, मीडिया वाले कोई अगर न्यूज सुनाते हैं, कोई भी समाचार सुनाते हैं, कोई भी बात अगर ये न्यूज चैनल में डालते हैं तो इनके विचारों से लोग प्रभावित होते हैं। मीडिया की बातों से जनता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, बात समझ रहे हो ना। तो लिखा है मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारण की सूची तैयार करना, ये तो गलत हो जाएगा। मीडिया चैनल उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनके पास उच्च
टीआरपी है ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सी। सेटिंग एजेंडा का मतलब होता है कि जो मीडिया है ना, मीडिया लोगों के विचारों को और उनके धारणाओं को प्रभावित करता है कि किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब मीडिया आजकल इतना बुद्धिमान हो गया है ना कि उसको पता है कि जनता के माइंड को कैसे बदला जाए। वो चाहे तो बड़ी बड़ी सरकार बना दे, चाहे तो बड़ी बड़ी सरकार गिरा दे, भाई न्यूज़ चैनल वाले अपने मनमर्जी का न्यूज़ चलाएं तो आदमी देखता है न्यूज़ को ना, तो उससे इफेक्टिव होता है, मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है न्यूज़ का। ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, न्यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोग, बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं और प्रभावित होते हैं न्यूज़ को देख करके, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सारे विद्यार्थियों से अपेक्षित है, बेहतर प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से दिया जाना चाहिए। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें लिखा है शोषण के खिलाफ अधिकार। देखो ये दोबारा क्वेश्चन आया ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ईयर वाइज आया हुआ है, तो देखो दोबारा ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है कि किसी को भी कम वेतन या बंधुआ के तहत काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पहला मैंने बताया था, सही हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक न्याय से संबंधित कई कानूनों का आधार भारतीय संविधान द्वारा गारंटी कृत मौलिक अधिकारों में है। ये वाला भी सही हो जाएगा। मतलब ए और बी मैंने आप लोग को बताया था, ए और बी विल बी द राइट आंसर, अर्थात आप अगर कहेंगे तो ए आपका उत्तर क्या हो जाता, एकदम लाजवाब। ए विल बी द राइट आंसर, ए आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने ए उत्तर को चुना है, उन सारे विद्यार्थियों का ए आंसर क्या हो जाता है, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। देखो ये वाला प्रश्न भी आया ना, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भारत का वर्णन करने के लिए भारत के संविधान द्वारा प्रयुक्त शब्द क्या है। तो मैंने आपको बताया ना, भारतीय संविधान के भाग एक में, अनुच्छेद एक में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो जाएगा। इट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ये एकदम सरल प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप सारे विद्यार्थी बेहतर तरीके से सोच विचार करके फिर उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण का मतलब होता है वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए, जो वन में रहने वाले शेर, बाघ, चीता, हाथी, पक्षी, ये वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी गतिविधियां आवश्यक हैं। बताओ वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी गतिविधियां आवश्यक हैं। पहला कह रहा है वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण। अरे अगर वन को काट लोगे, अगर मिट्टी बह जाएगी, तो इससे तो भाई साहब वन के जीवों का सुरक्षा कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा ना। दूसरा, जंगल की आग और भूस्खलन। अगर जंगल में आग ही लग जाएंगे तो वन में रहने वाले जीव जंतु भी तो मर जाएंगे, साफ हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल वन में रहने वाले जीवों को अगर सुरक्षित रखना है तो राष्ट्रीय उद्यान बनाइए, मतलब नेशनल पार्क बनाइए। अगर नेशनल पार्क बनाएंगे तो यहाँ पर लोगों को भी मत जाने दीजिए, बात समझ लेना। वन्य जीव अभ्यारण्य बनाइए, उन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यवस्था कीजिए। उन जानवरों को अगर व्यवस्थित करेंगे आप लोग, तभी जानवर सुरक्षित रह पाएंगे, ये बात आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो जानवरों को प्रोटेक्ट करना है तो नेशनल पार्क का निर्माण करो और वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी है, देखो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पता है ना एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना। इस यूनियन कार्बाइड कंपनी में मेरे दोस्त ना एक बहुत ही जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है। जिसकी वजह से इस मुद्दे पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना है। तो पहला, अगर यूनियन कार्बाइड कंपनी में अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था तो कहने का मतलब वहां कम सुरक्षा उपाय था।
कम सुरक्षा उपाय था ना, इस विषय पर चर्चा करोगे। कीटनाशकों का उत्पादन, ये तो होगा नहीं कीटनाशकों का उत्पादन, तो मतलब उद्योगों की लागत में कटौती की गई थी, कहने का मतलब सही तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया गया था, ये सारी दिक्कत आई थी। अब जितने लोग मरे हुए, लगभग 15,000 लोग एक्सपायर हो गए थे इसमें, 15,000 लोग। अब उन कामगारों को मुआवजा दीजिए, बात समझे, जो अभी बीमार हैं, जो अभी सही नहीं है, या जिन लोग मर गए हैं उनके घर वालों को व्यवस्था दीजिए। तो ए और सी और डी, मतलब आप किन किन मुद्दों पर चर्चा करते कर सकते हो, ए सी और डी मुद्दे पर आप लोग चर्चा कर सकते हो। बिल्कुल, आप लोगों ने सी आंसर को लगाया है, वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार, बेहतरीन तरीके से आप लोग उत्तर दे रहे हैं, बहुत बहुत शानदार दोस्तों, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये भी दोबारा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन आप दो बार देख लो, वो क्वेश्चन मान करके चलो कि कम से कम 5-6 सालों पर लगातार पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ, यदि एक पाठ्यचर्या सामग्री में गृहिणियों और घरेलू नौकरानियों के रूप में महिलाओं को और इंजीनियरों और पायलटों के रूप में पुरुषों का चित्रण है, इस प्रकार के चित्रण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ये जो भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये भेदभाव मेरे दोस्त लिंग सीरोटाइपिंग, ये लिंग सीरोटाइपिंग मतलब लिंग का भेदभाव हो रहा है, महिलाओं और पुरुषों में अंतर हो रहा है, लड़के और लड़कियों में अंतर हो रहा है। इट मींस सी विल बी द राइट आंसर, सी उत्तर आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत बार, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये बातें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, आप तो गलत मत करो ना इसका। लिखा है, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है। बिल्कुल, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है, ये तो बात बिल्कुल सही है। सभी देश जिनका संविधान है, जरूरी नहीं है कि वे लोकतांत्रिक हों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ये भी दो बार पूछा गया प्रश्न है, ए और बी दोनों सच हो जाएंगे। इट मीन्स ए विल बी द राइट आंसर, ए आंसर आप लोगों का क्या हो जाता है, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। देखो दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है ना, कि मैं आप लोगों को उन प्रश्नों को बार बार पढ़ाऊंगा, उन प्रश्नों को बार बार पढ़ाऊंगा जो 2011 से लेकर के अब तक कम से कम 5 बार पूछे गए हैं। जो प्रश्न कम से कम 5 बार पूछे गए हैं, उनके रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए उन क्वेश्चन को मैं भी आप लोगों को रिपीट करके पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला सुनो, लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। चलिए पहले पढ़िएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उसके बाद सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में लगभग 60% परिवार खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते। नहीं, देखो, खेतीहर मजदूर का मतलब जानते हो, एक होता है गाँव में किसान, एक तो गांव में होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, किसान, जिनके पास जमीन होती है। अब ये मान लीजिए गेहूं धान वगैरह उगा लिए, अब इस गेहूं और धान को कटवाने के लिए ये किसान क्या करता है, खेतीहर मजदूर को बुलाता है, कि जो खेतीहर मजदूर होते हैं इनको बुलाता है, क्योंकि खेतीहर मजदूर के पास में खेत नहीं होता, ठीक है ना। तो भारत में 60%, ये तो गलत हो जाएगा, 60% नहीं, गांवों में सीमित कमाई के अवसरों के कारण खेतिहर मजदूर दूर दराज के स्थानों पर चले जाते हैं। बिल्कुल, ये चले जाते हैं ना दूर दराज कमाने के लिए, दूसरे शहरों में कमाने के लिए। कृषि मजदूर किसानों से नियमित रोजगार के अभाव में बाजार मजदूरी से कम स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल, उनको भाई पैसा चाहिए तो थोड़ा ही दो पर मुझे रख लो, थोड़ा ही दो पर मुझे क्या करो, थोड़ा ही दो पर मुझे रख लूँ, क्योंकि मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो खेतिहर मजदूर थोड़े छोटे मोटे पैसे भी काम करने के लिए, वो थोड़े मोटे पैसे में आवभाव में भी वो बिक जाते हैं, कहते हैं ठीक है मुझसे तुम जो है काम करवाओ, कुल मिलाकर के मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए, आप मुझे पैसा दे दीजिए बस, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, अगला प्रश्न लिखा है, निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब होता है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई हाई कोर्ट का, अगर कोई न्यायाधीश है, वो बिना पैसा लिए, बिना इधर उधर हेर फेर किए, एकदम निष्पक्ष, ना किसी के पक्ष में ना किसी के पक्ष में, न्यायाधीश कैसे सुनवाई कर सकता है। पहला कह रहा कि जो न्यायाधीश है ना, वो मौजूद सबूतों के आधार पर, बिल्कुल जो सबूत मौजूद हैं किसी अपराधी के खिलाफ या गैर अपराधी के खिलाफ, उन सबूतों के मद्देनजर, और जो कानून कहता है, कानून के अनुसार आरोपी व्यक्ति के बेगुनाही का फैसला करता है। ये बात तो सही हो जाएगा, ठीक है ना, सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ही तो सुनाया जाता है फैसला। अच्छा,
न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से और एक खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करता है, ये भी सही हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर, बी उत्तर भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सी में कह रहा कि जनता की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले मामलों पर न्यायाधीश त्वरित निर्णय देते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो तुरंत निर्णय नहीं दिया जा सकता, तुरंत निर्णय दिया ही नहीं जा सकता। क्यों तुरंत निर्णय नहीं दिया जा सकता? क्योंकि हो सकता है पहले पता तो लगाओ कौन कौन अपराधी है कौन कौन अपराधी नहीं है। अभी पता कहाँ है कौन अपराधी है कौन नहीं, उसके लिए पहले सुनवाई होगी, उसके बाद होगा। केवल ए और बी सही होगा, सी नहीं सही होगा। नहीं तो तुम जनता की अंतरात्मा को झकझोर देने के लिए न्यायाधीश तुरंत हड़बड़ 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 फैसला ले लें, ऐसे थोड़ी नहीं होता कि जल्दबाजी में फैसला लिया जाएगा। नहीं, जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो न्यायाधीश सोच विचार करके अपने हिसाब से निर्णय लेगा, ये बात आपको याद रखना है। अगला बताओ, ग्रामीण भारत में, मतलब ग्रामीण जो गांव वाला भारत है, ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो इसमें मेरे दोस्त याद रखना, भारत में लगभग 4/5 किसान बड़े किसान है। नहीं, ऐसे थोड़ी इतना ज्यादा बड़े किसान हमारे भारत में हो जाएंगे। नहीं, भारत में किसान उपज की उम्मीद नहीं होने पर कर्ज के जाल में, हाँ बेचारे गरीब किसान, ये लोग तुरंत क्या कर देते हैं, कर्ज ले लेते हैं। और इनको कर्ज सब नहीं देता, अपने यार दोस्त रिश्तेदार बिचौलिया इन्हीं सब से कर्ज लेते हैं, बनिया उनिया से सब कर्ज ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा ज़मीन है नहीं, तो बैंकों से ज़्यादा ऋण इनको मिलता नहीं है। छोटे किसान अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से बैंकों पर निर्भर करते हैं, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको 1,000, 2,000, 5,000 इतने रुपये की आवश्यकता होती है, तो बैंकों से इनको लोन लेने की आवश्यकता नहीं होती। इट मींस केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। तो जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने बी ऑप्शन को क्लिक किया है, उन सारे विद्यार्थियों का बी ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, ये वाला प्रश्न देखो रिपीटेड हुआ ना, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बेहतर तरीके से दे पाओगे, बेहतर तरीके से आप लोग, बेहतर तरीके से आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई थी, तो मैंने आपको बताया संसदीय और संघीय, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली हमारे भारत देश की सरकार के द्वारा अपनाया गया है। देन बी विल बी द राइट आंसर, बी उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र की विविधता, विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना, विभिन्नता का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग। बताओ इसमें क्या अलग अलग है, बताना जरा इसमें क्या क्या अलग अलग है भाई, कौन विद्यार्थी का उत्तर सही आएगा, अलग अलग कौन समझ रहा है, देखो इसमें अलग अलग क्या है, खाने पीने की अलग अलग आदतें, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आदत होती है ना, कोई दाल चावल पसंद है, किसी को रोटी सब्जी पसंद है, सबको अलग अलग चीजें पसंद है, तो खाने पीने की अलग अलग आदतों का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ इसमें विविधता है। दूसरा, समान धर्म, अब ये समान हो गया तो विभिन्नता कहाँ रहेगी, ये तो गलत हो जाएगा, ए तो सही था पर बी गलत हो जाएगा। सी, लोग जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुरूप ढलना, ये भी सही हो जाएगा, मतलब ए और सी, बी आपका गलत, ए और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। तो जितने प्रिय विद्यार्थी ने डी उत्तर को चुना है, उन सारे विद्यार्थियों का डी ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम बेहतरीन, ठीक है ना, उनका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न का जवाब देना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, ये तो आप लोग कर लोगे ना। लिखा है बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत दुखद बात है। बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिए, तो भाई बिल्कुल, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को खाने की मांग भी बढ़ रही है, और जब लोगों की खाने की मांग बढ़ रही है तो कृषि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे आप लोग खाद्यान्न फसल बढ़ाओगे। पहला कह रहा उर्वरक और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग करके, बिल्कुल उर्वरक और अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करके आप लोग उत्पादन बढ़ा सकते हो। दूसरा, फसली क्षेत्र में वृद्धि करके, बिल्कुल फसली क्षेत्र में वृद्धि करने का मतलब होता है कि क्या करना है, इसमें फसली क्षेत्र में वृद्धि करने का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कि वहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि फसली क्षेत्र में वृद्धि करिए, ये हो जाएगा।
वर्षा पर अगर निर्भरता हो जाएगी, अगर आप वर्षा पर निर्भर होंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता ना। तो आपको वर्षा पर निर्भर नहीं रहना है, चाहे नदी से नहर निकाल करके, चाहे ग्राउंड वाटर जल का प्रयोग करके, ट्यूबवेल वगैरह का प्रयोग करके, ऐसे जल का प्रयोग करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करो और एक एग्रीकल्चर का सिस्टम डेवलप करो, एक कृषि का तंत्र डेवलप करो। इट मीन्स ए बी और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आप क्या कर सकते हैं, एकदम राइट, सी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने सी उत्तर दिया है उन सारे विद्यार्थियों का सी उत्तर क्या हो जाता है, एकदम लाजवाब, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, सी विल बी द राइट आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का जवाब जल्दी दीजिएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ये देखो मैंने बताया ना, रिपीटेड क्वेश्चन हुआ ना, रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है ये कौन होता है, तो ये होता है राज्यपाल। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है, अगर वास्तविक प्रमुख की बात करोगे तो वास्तविक प्रमुख हो जाता है मुख्यमंत्री। मतलब सारी ओरिजिनल शक्तियां मुख्यमंत्री में निहित होती हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, तो राज्यपाल कहने के लिए राज्यपाल के पास शक्ति होती है, लेकिन वास्तव में काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ये बात आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब देना, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की अवधारणा को समझाने का उपयुक्त उदाहरण होगा। ये वाला फिर आया ना, ये वाला फिर आया ना, ये वाले प्रश्न का उत्तर अब गलत तुम लोग नहीं करोगे, इस प्रश्न का उत्तर तुम लोग गलत नहीं कर सकते। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की अवधारणा को समझाने का उपयुक्त उदाहरण होगा। तो लोग एक दूसरे को समान रूप से देखते हैं, गलत। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक देखते हैं, बिल्कुल। लोग एक दूसरों का सम्मान करते नहीं, श्रेष्ठता और हीनता की भावना। बी और डी विल बी द राइट आंसर। देन डी उत्तर आप लोग अभी पीछे इसको किए थे, अभी पीछे इसको आप लोगों ने पढ़ा था, तो बी और डी उत्तर आपका क्या हो जाता है, एकदम सही। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्कूल आधारित मूल्यांकन गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। स्कूल आधारित, स्कूल आधारित का मतलब छोटे छोटे बच्चों का, तो छोटे छोटे जो प्लेसमेंट मूल्यांकन होगा, इसमें नौकरी पाने की बात होती है। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, नौकरी पाना ना, तो छोटे बच्चे को नौकरी थोड़ी ना चाहिए, छोटे बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा, ये नौकरी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, प्लेसमेंट वाला गलत हो जाएगा। बाकी स्कूलों में योगात्मक मूल्यांकन होता है, प्रारंभिक मूल्यांकन होता है, नैदानिक मूल्यांकन होता है, लेकिन प्लेसमेंट के आधार पर मूल्यांकन बड़े बड़े कॉलेजों में होता है, बड़े बड़े कॉलेजों में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आरटीई अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा सिद्धांत सही है राइट टू एजुकेशन। तो इसमें देखो, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, इससे बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्या मतलब, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है कि बच्चों का कैसा विकास होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इट मीन्स आपका बी उत्तर हो जाएगा सही, बी विल बी द राइट आंसर, बी आंसर एकदम राइट हो जाता है। नेक्स्ट, सीखने के लिए आकलन मतलब AFL ढांचे की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें पहला नंबर, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, हितधारकों के साथ सीखने की प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है, छात्र के सीखने का मूल्यांकन सीखने के परिणामों के आधार पर मानदंडों के विरुद्ध किया जाता है, और डी कह रहा है कि समय के साथ सीखने की प्रगति में बदलाव का निरीक्षण करने की गुंजाइश प्रदान करें। डी वाला सही हो जाएगा और साथ साथ में ए वाला हो जाएगा आपका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और डी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ये बात आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, अगले प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा बताना। इसमें पूछा है यदि कोई छात्र किसी जिले की जनसांख्यिकी, ये वाला देखो क्वेश्चन आया हुआ था ना, ये रिपीटेड है, जिले की जनसांख्यिकी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था भारत की जनगणना से संबंधित डेटा, भारत की जनगणना से संबंधित डेटा, ये बात आपको बार 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 इसको जरूर याद कर लेना, इसको बार बार, जो मैं कह रहा हूँ, जो बार बार क्वेश्चन दो बार अगर आ जाए गलती से, तो दो बार आ जाए तो उस प्रश्न को आप लोग एकदम गलत मत करो, उस प्रश्न को आप लोग एकदम मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि मैंने जानबूझकर उसको दोबारा रिपीट करवाया है।
अगला लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को प्रभावित किया किसने, जो जनजातीय समूहों के जीवन को प्रभावित किया, तो जो बैगा जनजाति के समुदाय थे ना, जैसे देखो डी में लिखा हुआ है गाने जो उस अवधि के दौरान बैगास जैसे जनजातियों द्वारा गाए गए थे ना, और मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन द्वारा दस्तावेज किए गए थे, ये जो बैगास जनजाति के द्वारा गाना गाया गया था ये जनजातीय समूह के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, ये जनजातीय जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलो नेक्स्ट का बताना, कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, जल्दी कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिएगा जल्दी। इसमें लिखा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना तेजी से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना पहले से बहुत ज्यादा जटिल हो जा रहा है और बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण, क्यों, क्योंकि भारत में शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से सुसज्जित सामाजिक वैज्ञानिक की कमी है, बिल्कुल अब पढ़ाने वाले उतने अच्छे अध्यापक नहीं रह गए हैं ना, जान रहे हो ना, अब सही तरीके से पढ़ाते ही नहीं कोई अध्यापक, जब सही तरीके से पढ़ाओगा नहीं तो सामाजिक विज्ञान चुनौतीपूर्ण होता चला ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर दोगे तुरंत सही, ए और बी दोनों का क्या हो जाएगा एकदम बेहतरीन हो जाएगा, ए और बी बोथ आर द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों उत्तर क्या हो जाएगा एकदम सही, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन का उत्तर देना, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि एक शिक्षिका प्रारंभिक स्तर के छात्रों को अपने राज्य में हाल ही में हुए चुनावों को समझने में मदद करना चाहती है, मतलब वो अपने बच्चों को ये सिखाना चाह रही है ना कि आखिर चुनाव कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, तो इस मतदान की प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास कर रही है एक शिक्षिका, वह चाहती है कि छात्र इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक घटक के रूप में देखें, इसके लिए कौन सा स्रोत उपयुक्त होगा, मतलब वो चाह रही कि जो बच्चा है वो ये समझे ना कि लोकतंत्र क्या होता है, वो लोगों का कानून कैसे चलता है वो समझाना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, उसके लिए पहला काम करेगी कि राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप लेकर के आएगी, मतलब अभी हाल ही में जो राज्य से रिलेटेड चुनाव हुए थे उस चुनाव में जो क्लिप यूज किया गया था, क्लिप का मतलब वीडियो क्लिप वगैरह, यूट्यूब क्लिप वगैरह, उसको बच्चों को दिखाए, ठीक है ना। दूसरा, चुनाव के संचालन से संबंधित भारतीय संविधान में विभिन्न लेख, तो देखो ये तो गलत हो जाएगा, यूट्यूब में चुनाव प्रक्रियाओं के वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए हैं, ये भी किया जा सकता है दोनों, और संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव से संबंधित एपिसोड वाली फीचर फिल्में, ये गलत हो जाएगा, तो ए और सी आप टिक कर सकते हो, इट मींस आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, अगर आप लोगों ने डी उत्तर को चुना है तो आप लोगों का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम बेहतरीन, ठीक है ना, डी आंसर आप लोगों का क्या हो जाता है एकदम सही। अगले प्रश्न का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करता है, बताओ, सोच कौशल मतलब एक जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के साथ में तुम ऐसा कौन सा काम करो ना कि वो बच्चा सोचे, वो बच्चा विचार करे, वो बच्चा चिंतन करे, तो बच्चों में अगर महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ है समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है, ये वे कौन से विभिन्न बाजार हैं जिनके माध्यम से कपास शर्ट बनाने के लिए यात्रा करती है, तो ये तो मार्ग निश्चित है ना, पर ये वाला का वाला तो सही हो जाएगा ना, मतलब ए वाला तो सही हो जाएगा, बी वाला गलत, शर्ट बनाने की उत्पादन प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ किसे होता है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा, सदाबहार वनों और पर्पाती वनों में अंतर ये नहीं होगा, केवल आपका ए सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में ए और सी दोनों दिया गया है, तो जितने प्रिय विद्यार्थी ने डी उत्तर को चुना उन सारे विद्यार्थियों का डी ऑप्शन क्या हो जाता है एकदम बेहतरीन एकदम शानदार। अगले प्रश्न का जवाब देना, नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करती है, आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करती है, तो बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को कंठस्थ करना, ये तो होगा नहीं, गलत, बच्चों को ऐसी केस स्टडी प्रदान की जा सकती है जिनमें लोगों ने भारतीय संविधान में संदर्भित विभिन्न अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, तो बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा ना, बी वाला तो एकदम सही है, एक वकील ये भी गलत हो जाएगा, केवल बी विल बी द राइट आंसर, जितने प्रिय विद्यार्थी ने बी उत्तर चुना है उन सारे विद्यार्थियों का बी उत्तर क्या हो जाता है एकदम लाजवाब, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग बेहतर तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का उत्तर, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। इसमें पूछा है कि कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, अरे ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा ना, केवल ज्ञान थोड़ी ना चाहिए। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से परे जाने और विभिन्न अन्य स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल, तो किताबों में ही थोड़ी ना धस कर रह जाए, बी तो हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग छात्रों के याद करने के कौशल का परीक्षण करने के लिए, अरे नहीं, याद वाद थोड़ी ना कराना है। और शिक्षकों को छात्रों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी को अपने अवलोकन से जोड़ने में सक्षम बनाना चाहिए, बिल्कुल, डी विल बी द राइट आंसर, मतलब बी और डी कहां पर है, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बी और डी विल बी द राइट आंसर, बी और डी उत्तर आप लोगों का क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाता है, बी और डी, जितने भी विद्यार्थी ने उत्तर लगाया उन सारे विद्यार्थियों का बी और डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब देना, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के माध्यम से लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में मदद मिलेगी, मतलब छात्र समझ पाए। तो देखो, वो स्कूल में जो टीमें जैसे बनती है ना, वाद विवाद टीम बनती है, तैराकी टीम बनती है, इत्यादि के लिए चुने जाने के अनुभव, इन पर विचार कर सकता है बच्चा, तो बच्चा चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। 5E मॉडल को सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ्य योजना विकसित करने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। इस मॉडल में शिक्षकों द्वारा पेश किया गया पहला कदम क्या है, बताओ। 5E जो मॉडल है, इसको सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ्य योजना विकसित करने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। इस मॉडल में शिक्षकों द्वारा पेश किया गया पहला कदम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, पहले तो आप लोग शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को इंगेज करो, पहले आप उनको इंगेज करो, मतलब पहले उनको संलग्न करो। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, जब आप उनको संलग्न कर लोगे तब वो लोग बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे दोस्त, हम लोगों ने 101 क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया, बहुत ही जल्दी हम लोगों ने अपने टारगेट को अचीव किया, 101 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये सामाजिक विज्ञान के सामाजिक अध्ययन का SST का मेरे दोस्त ये आपका पेपर हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जनवरी 2023 में जो आपके एग्जाम हुए थे और कुछ 2022 के क्वेश्चन था, टारगेट था कि आप लोगों का मैक्सिमम 60 में 60 आपको मिले। आप लोग ये 101 वाली सीरीज मेरे दोस्त जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये PDF अगर पाना है तो GS एक्सपर्ट टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, GS एक्सपर्ट ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि बेहतर तरीके से आप लोग की तैयारी जो है वो कराई जा सके और बेहतर बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा सके, ठीक है। ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े रहे, सभी साथियों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत हार्दिक रूप से आभार मेरे दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक रूप से आप लोगों का थैंक यू, बहुत बहुत हार्दिक रूप से आप लोगों का शुक्रिया। मिलेंगे आप सारे विद्यार्थियों से फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना बेहतर तरीके से ख्याल रखिएगा, बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे हंसते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।